असलम एवरी वन आई एम एन वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा एंड दिस इज़ वाइट एग कोरमा रेसिपी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है फटाफट बन जाती है तो ये ज़बरदस्त एक वाइट कोरमा ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अच्छा जी सबसे पहले हमने क्या लेना है एक कप तेल लेना है उसको हम प्री हीट करेंगे दूसरी तरफ मैंने एग ना बॉईल करके रख दिए थे अंडों को और छील के रख लिया था अब जैसे ही आपका तेल प्री हीट हो जाएगा आपने इसमें तमाम अंडे जितने भी आप अपने घर के लिहाज से बनाएंगे आप उतने उसमें इस तरीके से फ्राई कर लीजिएगा अच्छे से तो बस ये देखें हमारे अंडे जो हैं वो हो चुके हैं फ्राई अब इसे क्या करना है आपने तेल में से निकाल लेना है और जो तेल हमारा बच जाएगा इसी में हम अपना कोरमा तैयार करेंगे तो तमाम अंडे निकालने के बाद हम अपने बचे हुए ही तेल में डालेंगे गरम मसाले जिसमें छः से सात मैंने लौंग लिए है आधा चम्मच जो है वो काली मिर्च ली है एक तेजपात है और एक हमारे पास छोटे से दालचीनी का टुकड़ा है एक है चार हरी इलायची और एक बड़ी इलायची तो तमाम ये जो हमने मसाले ऐड किए हैं इसको थोड़ा सा सौते करेंगे तेल में इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज ठीक है मैं प्याज का जो है पेस्ट बना के डाल रही हूँ आप चाहें तो इसको बिल्कुल अंडे की तरह बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हैं फ़ाइन चॉप करके दो मीडियम साइज़ की बड़ी साइज़ की प्याज दीजिएगा उसको इस तरीके से पेस्ट बना लें या फिर आप इसको फाइन चॉप करके ऐड कर लें इसको भी हमने क्या करना है थोड़े से सौते करना है बिल्कुल ब्राउनिश नहीं करना है ये देखें इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट वन टेबल स्पून और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स मीडियम फ्लेम पर हम इसको भी कुक कर लें कम पांच से कम पाँच से छह मिनट अच्छे से इसको भूनना है आपको तो अच्छे से इसको पांच से छह मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चार से पाँच हरी मिर्चों का पेस्ट बना के और पाँच से छह हमने बादाम भिगो के रख दिए थे उसका भी पेस्ट बना लिया मैंने इसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड होंगे जिसमें एक चम्मच जीरा पाउडर है आधा चम्मच जो है सफ़ेद मिर्च का पाउडर है और आधा चम्मच जो है वो काली मिर्च का पाउडर है काली मिर्च का पाउडर मैंने बस जल्दी जल्दी में इसी वक्त डाल दिया था आपने क्या करना है तमाम चीज़ें रेडी करने के बाद लास्ट में ऐड कर दीजिएगा ठीक है ये थोड़ी तो सी मिस्टेक हो गई थी बस जल्दी में बनाना था इसलिए हो गया था ये वरना मैंने सोचा था बाद में एक साथ प्लेट में रखो ना उस डंडी डाल दिया था मैंने अच्छा इसको ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे हम और मिक्स करने के बाद इसमें दही और दही का जो पानी होता है उसको अच्छे से फेंट के वो हमने ऐड करना है हाफ कप तो बस अच्छे से ये मिक्स हो चुका है अब इसमें ऐड होगा सॉल्ट सॉल्ट मैंने डाल दिया तो उसकी वीडियो स्किप हो गई थी मैं आपको दिखा देती हूँ हाफ टेबल स्पून इस तरीके से सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूध ये दूध में ही बनेगा वाइट एग कौरमा हम तैयार कर रहे हैं तो दूध की जो क्वांटिटी होगी ना वो आप अपनी ग्रेवी के मुताबिक ऐड करेंगे मैं इसमें दो प्यालियाँ भर के दूध ऐड कर रही हूँ जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए थी तो ये परफेक्ट थी अगर आप ज़्यादा बना रहे देंगे क्वांटिटी तो फिर आपको दूध ज़्यादा करना पड़ेगा ठीक है पहले एक प्याली डाल के मैंने अच्छे से मिक्स किया फिर उसकी कंसिस्टेंसी देखी और ज़रूरत थी इसलिए मैंने दूसरी प्याली भी डाल दी ठीक है उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है और मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से पकाना है हमें पाँच से छः मिनट अच्छे से आप खुद देखेंगे इसका तेल उतरने लग जाएगा साइड पर आप देख रहे होंगे तो बस इसको अच्छे से इस तरीके से भूनना है आपको जब तेल इसमें उतर जाएगा तो आपने तमाम एग जो आपने अंडे फ्राई करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर देना ये देखें तेल भी हमारा उतर गया इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स और इसको थोड़ा सा दम दे देंगे ठीक है दम वाली आप पे अब इसको हम कवर करके रख देंगे पाँच से छः मिनट के लिए तो बस ये ज़बरदस्त हमारा एक कोरमा रेडी है अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे हरी मिर्च और हरा धनिया से थोड़ा सा गार्निश करेंगे ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा लोक और एक बहुत ज़बरदस्त इसका टेक्सचर बन जाता है इसकी ग्रेवी जो होती है ना एक अलग फ्लेवर देखी होती है तो हरा धनिया और साबित मिर्च जो होती है ना हमारी हरी मिर्च वो इस पर ऐड कर दें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाएगा और उसको मिक्स करके ये आपका एक वाइट कोरमा रेडी है सर्व करने के लिए बहुत ही लजीज बहुत ही लाजवाब है ये देखें बिल्कुल कंसिस्टेंसी परफेक्ट ये तेल भी हमारा ऊपर उतरा हुआ है तो इसको सर्व करें गर्म गर्म चपाती के साथ या फिर जो भी आपका पसंद है पराठे और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ आई होप कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में मौजूद आइकन को प्रेस करें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाटा बबाला